नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, जाकर के वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आने वाली प्रॉब्लम जो भी होगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के शेयर कीजिएगा, हम आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को जॉब से रिलेटेड भी हमसे बहुत आपको हिंट मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, जॉब का जो भी प्रोसेस है दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जॉब जो है आप लोग को अगर भारत फाइनेंस में जॉब करना है, महिला ग्रुप लोन जैसे देने के लिए जो आते हैं वो लोन ऑफिसर जो होता है उसमें अगर आप लोगों को काम करना है, उसमें जॉब चाहिए, तो आप लोगों को कैसे उसमें काम मिलेगा दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे आप लोग वीडियो में, आप लोग बने रहना, ठीक है। एंड चैनल पे दोस्तों अगर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है, कर दीजिएगा फटाफट से लाइक। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसके लिए जो है आप लोग को अगर भारत फाइनेंस में, ठीक है, जॉब करना है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का वहाँ पे जॉब जो है किस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन होता है। फर्स्ट में आपको हम बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो एज जो दोस्तों इसमें रखा गया है वो आपका 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 28 यानी 28 से नीचे आपका उम्र होना चाहिए। एज आपका 18 से 28 होगा तभी आपका इसमें लिया जाएगा। और उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 12th पास लिया जाएगा, ठीक है, 12th से मतलब आपको ऊपर जहाँ तक आपको पढ़े लिखे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, बट आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग को एक रिज्यूम लगेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक। अब ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है फर्स्ट टाइम। और उसके बाद जो है आप लोगों को भी बताते हैं कि क्या क्या आप लोगों को और लगने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट टाइम हो जाता है, ये चीज़ जो है आप लोग को केवल लगेगा। और उसके बाद जो है आप लोग का एग्जाम भी होता है। देखिए एग्जाम में आप लोग को क्या क्या पूछा जाता है वो पहले हम बताते हैं, क्योंकि एग्जाम के डर से बहुत सारे कहते हैं नहीं यार हम एग्जाम तो पास नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम पास करना आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, अगर आप 12th पास हैं तो आप एग्जाम भी पास कर लोगे, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप लोग को क्या पूछा जाता है, केवल मैथ से रिलेटिव, जैसे मतलब हिसाब किताब से रिलेटिव जो है, जैसे मतलब किसी को पैसा दिए हैं कैसे कि इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे फिर उसका मतलब जोड़ घटा गुना भाग, ये सब जो है पूछा जाता है। और बेसिक कुछ नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, केवल इन्हीं सब चीज़ को पूछा जाता है, ताकि अगर आप मान लिया जाए लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर ये सब हिसाब किताब आप लोगों को नहीं आता है तो आप काम कैसे करोगे, इसी से रिलेटिव जो है आप लोगों को वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें नॉर्मल सा है, आप लोग जो है इन लोगों को ये जो हिसाब किताब है इसमें आप लोग पास हो जाइएगा, तो इसके लिए टेंशन आप लोग फ्री हो जाइए, ठीक है। तो आपको हम फाइनल बता चुके हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, ठीक है, आपका एग्जाम जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग फीस की हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों 0 आपको ज्वाइनिंग फीस लगने वाला है। चलिए ये भी आप समझ गए। अब ये समझ लीजिए आपके इसमें जो आप लोगों का ज्वाइनिंग जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। देखिए आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, भारत के किसी भी कोने से, तो आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ही कर लेना है, ठीक है। अगर आपको हमसे हिंट चाहिए तब हम आपको जो है लगभग हिंट अच्छा खासा कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात बताना भूल गए कि इसमें सैलरी कितना आपको मिलेगा। तो सैलरी देखिए, अगर आपको फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो आप लोगों को जो है कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम आप लोगों को इसमें 45 दिन का जो वो ट्रेनिंग चलता है, ठीक है, 45 दिन में आप लोगों को सैलरी जो है केवल ट्रेनिंग जब चलेगा तो आपको 6500 रुपये जो मतलब सैलरी होगा, ठीक है। तो आप 1 से 1.5 महीना जो ट्रेनिंग चलता है, ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाता है काम किस प्रकार से करना है, वो चीज़ का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद जो है आपका सैलरी जो वो हो जाता है फिक्स अमाउंट, एक हो जाता है आपको 9500 का, ठीक है, घबराना नहीं आप लोगों को। देखिए 9500 का केवल वो आपका अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट है। अगर आप एक मंथ में आपसे 0 काम हुआ मतलब कोई काम नहीं किए तब आपको 9500 रुपया यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों इसमें अगर आपका 9500 इसमें अगर आपका सैलरी है तो इसमें इंसेंटिव ही करीब करीब आपको 20000 पर मंथ आ जाता है, ठीक है, 15 से 20000 रुपया जो आपको इंसेंटिव ही मिल जाता है इसमें। तो इंसेंटिव बहुत ही अच्छा है इसमें, ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो हम करेंगे इसमें अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो बेसिक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कुल मिला के बात करें, अगर आपका 1 से 2 महीना के बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आप काम शुरू करते हो, तो आपको करीब करीब 25-30 जैसे आप काम करो उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। आप जरूरी है इस महीने आप 20000 कमाए हो तो अगले महीने आपको 15000 होगा, 25000 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको आपके जो है वो काम के ऊपर डिपेंड पड़ेगा, जिस प्रकार से आप काम करोगे उस हिसाब से आपका पेमेंट आ जाएगा। ये आपको कंप्लीट प्रोसेस हम समझा दिए, आप जो आप लोग को जॉब इसमें कैसे करना है वो समझ लीजिएगा। देखिए इसका जो है कोई अनाउंसमेंट या ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाता है कि इस डेट को यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे जो है आप लोग को जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हो तो आपको सबसे पहले पता करना है आपके नियर में कि आपका जो है भारत फाइनेंस का ऑफिस कहाँ पे है।
आपका भारत फाइनेंस का ऑफिस कहाँ पे, जहाँ से जो कि महिला लोगों को ग्रुप लोन दिया जाता है वहाँ पे आपको सिंपल सा जाना है, और जो हम डॉक्यूमेंट बताए हैं वहाँ पे केवल आप लोगों को जाकर के डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, और आप लोगों को जो है कि पता चल जाएगा वहाँ से कि मेरा एग्जाम कहाँ पे होने वाला है। एग्जाम होने के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों को आगे कर दिया जाएगा। हालांकि सब कुछ हम इस वीडियो में बतला ही दिए हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, बाकी बात जो दोस्तों अभी सजेस्ट किया है, ठीक है। अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो अच्छी खासी है, अगर आप ट्वेल्थ पास है, काम धंधा अगर कोई आप भी फिलहाल बैठे हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा है, आप चाहिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज कीजिएगा, जैसे आप मैसेज करिएगा तो हम आपको केवल बताना है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो है हम आप लोगों को नंबर भी प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो सिंपल से अगर आप वो डिस्ट्रिक्ट का, कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो है कुछ कॉन्टैक्ट में लगभग 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, बट अभी बताएंगे नहीं कौन कौन सा है, आप लोग मैसेज कीजिएगा तो हम बता देंगे। आपको केवल अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताना है कि हम यहाँ से हैं, तो अगर वहाँ का अवेलेबल होगा तो हम आप लोगों को वहाँ का नंबर दे देंगे, जो है जहाँ तक होगा हेल्प आप लोगों का कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक अगर आपने देख लिया हो तो वीडियो देखने आप करते हैं दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, समझाते समझाते बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, जिसकी वजह से विस्तार में समझना पड़ता है, थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट दोस्तों कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा तरीका से समझा पाए। अगर आपने पूरा प्रोसेस को समझ लिए हो तो वीडियो को भैया लाइक करके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट बॉक्स खाली है, आपको सोशल मीडिया का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहां मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करने का माध्यम हो रहा। तो चलिए दोस्तों अगर आपने वीडियो को देख लिया हो पूरा तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद।